उसमें ग्रेडर का दूसरे नंबर का गियर लगा दिया, तो आप देखो थोड़ा कम लोड ले रहा है, तो ये बंद में तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल होते नहीं शायद ये। आज अच्छा सीन हुआ साइड पे जबरदस्ती का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वॉल्वो का ग्रेडर है, तो प्रॉब्लम ये हुई है, ये हो गया है ख़राब। ऐसा हुआ कि एकदम चलते चलते एकदम इसके सारे फंक्शन काम करना हो गए बंद। इसमें सबसे पहले इसका इंजन चल रहा था, वैसे ये अभी इंजन ही चालू है, बाकी इसका हाइड्रोलिक का सिस्टम पूरा हो गया बंद। ऐसा लग रहा है जैसे पंप एकदम जाम हो गया, ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना इसके जो ब्लेड है ब्लेड के ऊपर हो रही डीजे, कुछ भी नहीं हो रहा, ना स्टेयरिंग कट रही है। तो अभी इसको ले जाने वाले हम कैंप में, तो इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कुछ फॉल्ट था, तो वो तो चेक करके इसका रिवर्स फॉरवर्ड तो चालू कर दिया है, बाकी ये जिसके हाइड्रोलिक फंक्शन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ये इसका ब्लेड है स्टेयरिंग हुआ, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इसका जो ब्लेड है ब्लेड बिल्कुल नहीं उठ रहा है, इसका सारा हाइड्रोलिक फंक्शन बिल्कुल जाम है। तो अभी इसका रिवर्स फॉरवर्ड हो गया चालू, स्टेयरिंग भी हो गया सर लगभग चालू, और इसके लिए बुला रहे हैं सबसे पहले वो एक्सेवेटर, आप देख रहे हैं वो आ रही है यहाँ पर एक्सेवेटर, और फिर इसकी जो ये ब्लेड है इसको उठाएंगे, तब ये फिर मूव कर लेगा, और हम यहाँ पे बुलाएंगे दूसरा ग्रेडर तो अपना काम निकालेंगे। मैं इसका जो कंट्रोल वाल्व खोला था उसका एक कवर है, कवर खोल के देख लिया है, अब इसको कस देते हैं, लेके जा रहे हैं इसको प्लांट पर, क्योंकि इसमें आया है कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट और भी कुछ फॉल्ट है, कुछ पंप प्रेशर नहीं बना रहा कुछ, ये अभी वायर लगी हैं, डायरेक्ट करके देखा है प्रेशर नहीं बन रहा इसमें, और दिखा देता हूँ मैं आपको दूर से। एक तो इतनी धूप है और धूप में खड़ा भी ऐसी जगह हुआ, यहाँ पे वाइडनिंग का काम कर रहे थे, ब्लेड मारते मारते अचानक हो गया ये बंद। अभी देखते हैं इसको लेके जाएंगे कैंप में, दूसरा ग्रेडर बुला के फिर अपना काम निकालेंगे। समस्या एक है इसके साथ, मनोज अच्छे से कर, तू YouTube पे आएगा आज, फिट कर दिया इसका कवर, दो नट रहते हैं बड़े बड़े, ये हमारे रेड्डी साहब बेचारे धूप में लगे हुए अकेले अकेले। दोस्तों ये जो ग्रेडर है इसका रिवर्स फॉरवर्ड हो गया बंद, और ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोलिक फंक्शन जितने भी सारे हो गए कोई भी काम नहीं कर रहा। जो हमारे मैकेनिक थे वो भी, उन्होंने भी चेक कर लिया, और ये बाहर से भी जो मैकेनिक आए थे हमारे यहाँ हाइड्रोलिक वाले एक्सेवेटर सही करने के लिए, उन्होंने भी चेक कर लिया, तो इसका प्रेशर में पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, प्रेशर बिल्कुल नहीं बता रहा। तो अभी इसको लेके जाएंगे हम प्लांट पे, मूव करके लेके जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हो गया रिवर्स फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर हमने एक्सेवेटर बुला ली है, तो इसका जो ब्लेड है बस इस ब्लेड को हमें उठाना है, ये ब्लेड उठ जाएगा तो ये चला जाएगा। काफ़ी मैकेनिक लोग लगे हुए हैं पर इनकी व्यवस्था बनी नहीं, अभी इसको ले जा रहे हैं कैंप में, ये हमारे रेड्डी साहब हैं उनकी गाड़ी है, मैकेनिक लोग खड़े हैं, और भी लोग हैं हमारे डोंगरे सर हैं भैया, ये अपन खड़े हैं यहाँ पे। डामर का काम अभी चालू नहीं है, वाइडनिंग का काम कर रहे थे, इसकी वाइडनिंग पर WM बना के फिर इसको इसका DBM होगा इसके बाद। हमारे अमरीक भाई जबरदस्ती में आ गए, अब इनकी रवानगी वापस बिना हाथ लगाए हुए, जाओ अमरीक भाई तुम जाओ, तुम्हारा भाड़ा तुम्हारे खाते में डाल देंगे, मैकेनिक को भी नाल लेंगे, और जेरे पैप खोल के जबरदस्ती बुलाई एक्सेवेटर है, कोई काम नहीं फिर भी बुला लिए, अबे हाइड्रा बुलाएंगे, हाइड्रा से उठाएंगे इसको। आ गया भैया अपना दूसरा ग्रेडर, भाई गर्मी इतनी है ग्रेडर हो गया खराब, दूसरा वाला ग्रेडर बुला लिया है, चालू किया उधर काम, भाई आ गया अपना हाइड्रा, भोपाल का हाइड्रा आ गया, अभी इसी से करेंगे तो। भाई हाइड्रा में क्या करेंगे, इसमें आगे का लगा देंगे इसका बेल्ट या वायर रोप लगा के इसको उठा देंगे यहाँ से, और जिससे जाए इसका ये ब्लेड उठ जाएगा, वो कर देंगे अभी ये पास में ढाबे पे खड़ा कर देंगे, या फिर ले जाएंगे इसको सीधे कैंप में, फिर देखते हैं क्या करना है। भाई लगा दिया इसमें आगे की तरफ ही लगा दिया वायर रोप,
हो जाती है इस टाइप की प्रॉब्लम दोस्तों साइडों पे। हैवी वाला लगाया है, वजन होगा इसका काफ़ी। स्टार्ट तो हो रहा है ये, कर दिया भैया यहाँ पे D7 को टाइट। इसका बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट वाइट बचाना है ये। इसको हाँ इधर फैसला उठा तो दिया है, ब्लेड भी उठ गई है, बाकी इसको स्टार्ट करके ले जाएंगे हम यहाँ से। वजन ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा हम टांग दिया इसको। बोल तो रहे थे रिवर्स फॉरवर्ड होगा, अभी देखते हैं होता है या नहीं। इतना उठाना पड़ेगा दोस्तों कि इसकी ब्लेड ज़मीन में ना लगे, क्योंकि ज़मीन में लगेगी तो यहाँ पे DBM हो रखा है तो उसको उखाड़ देगी। दोस्तों आगे तो उठाना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि इसके स्टेयरिंग भी जाम है, स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा है, केवल रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है। कितनी हैवी चीज़ें हैं दोस्तों वोल्वो की, पर इसको भी कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ गई। जब रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है मतलब इंजन स्टार्ट है इसका, तो ये अपने खुद के दम पे चल रहा है। मशीन ने केवल हाइड्रा ने केवल दोस्तों इसके टायर उठा रखे हैं। गनीमत एक चीज़ अच्छी है दोस्तों इसमें कि इसके आसपास अभी कुछ है नहीं। सामने पेवर जरूर लगी है, पेवर हमने कर दी साइड में, क्या होया क्या हुआ? इसमें दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है कि ना हाइड्रा चल रहा है रिवर्स में, और रिवर्स में वो ना लोड नहीं ले पा रहा है। चलते धीरे धीरे लेके जाते हैं इसको, ढाबे पे खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे उसको फिर चेक कर लेंगे। अभी क्या है बीच में खड़ा था, उसको हटाना भी ज़रूरी था क्योंकि वाइडनिंग का काम करना था, बाकी देखते हैं फिर। अभी तो ग्रेडर का 2 नंबर लोड ले रहा है यहाँ पे हाइड्रा भी, क्योंकि चढ़ाई है दोस्तों यहाँ पे, हल्की हल्की चढ़ाई है, पेपर लगा दिया साइड में, हल्का हल्का लोड लेके चल रहा है हाइड्रा भी। तो ग्रेडर का 2 नंबर का गियर लगा दिया तो अब देखो थोड़ा कम लोड ले रहा है, क्योंकि तो बंद में तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल होते नहीं शायद ये। आज अच्छा सीन हुआ साइड पे ज़बरदस्ती का। भाई हमने पहले इसके लिए बुलाई थी एक्सेवेटर, एक्सेवेटर से अगर इसको कर देते तो हम पागल हो जाते, तो
तो खींच तो जरूर ले जाती, पर सारा डीबीएम उस चैन उसकी डीबीएम के ऊपर जल्दी तो काम ख़राब कर देती सारा हमारा। तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 200 मीटर और है, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। पेवर लगा दी साइड में, पेवर यहाँ बीच में खड़ी थी, यहाँ से साइड में कर दी उसको। एक्सेवेटर तो दोस्तों हम पहले करने वाले थे इसको शिफ्ट, क्योंकि पहले सोच रहे थे इसके ब्लेड केवल ऊपर उठा देंगे उसके पाइप खोल के, तो ये ब्लेड ऊंची हो जाएगी तो बाद में ये कुछ चल के चला जाएगा। बाद में फिर पता चला कि इसकी स्टेयरिंग भी नहीं काम नहीं कर रही, केवल रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है ये। तो फिर इसको फिर हमने हाइड्रा ही बुलाया, फिर हाइड्रा से करना अच्छा। ये हमारा भैया राजा ऑपरेटर पेवर को एड करते हुए यहाँ पर। भाई इधर अपना बीसी का काम चालू था, हो गया बंद। ये अपना रोलर पीटीआर वगैरह यहीं पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कल बीसी की थी इस पोर्शन में, तो एक्सेवेटर से ना लाने का एक रीज़न ये भी रहा था कि एक्सेवेटर यहाँ से 200 मीटर तो शिफ्ट ही करना था। बीसी तभी ताज़ी बीसी है, इसके ऊपर अगर चेन वैन चल जाती तो काम ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर हाइड्रा बुलाया था हमने। एक्सेवेटर इसीलिए हमने वापस भेजी थी। सामने ये देख रहे हैं आप, ये ढाबा, बस इसी ढाबे पर भी लगा देंगे, क्योंकि रात में सुनसान जगह पर खड़े रहे मशीनरी ज़्यादा अच्छी बात है। कल इसी को यहाँ पर आके चेक कर लेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग के ये जो ढाबे पे, यहाँ पे हम लोग को खड़ा करना है इसको। बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तक तो पहुंच गया है। यहाँ ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो कभी कभी ब्लेड उसका टच हो जाता है। भाई गोपाल भाई लगे हैं, तो मेरे को आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है मशीनरी के बारे में है, ग्रेडर को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी सहारे की, और आज देख लिया इसको भी बढ़ जाती कभी कभी सहारे की। मैकेनिकल चीज़ है भैया, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है। दोस्तों आप इसके इंजन की आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि इंजन चालू है, इसलिए जो पहिए हैं वो इसके इंजन से ही घूम रहे हैं। केवल इसका स्टेयरिंग और इसका हाइड्रोलिक फेल हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इसको यहीं पे ये पास में ढाबे के पास में यहाँ साइड पे हम लोग कर देंगे, इसको पार कर देंगे। सुबह अभी टाइम हो गया, शाम के 5:30 होने वाले हैं, सुबह फिर इसका देखेंगे। यहीं पे दोस्तों इसकी बिल्डिंग के पास में इसको कर देंगे या पार्क, बाकी देखेंगे फिर क्या करना है। जब भी जगह जो भी काम वाम होगा उसका यहीं पे हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉब्लम है, बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मेरे को। बस यहीं पे कर देंगे इसको पार्क। यहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। अभी पाजी ये ब्लेड डाउन भी नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा ना, हवा में ही है ये। चलो हाइड्रा का हो गया काम, हाइड्रा ने फाइनली कर लिया इनको साइड। तो यहाँ पे हो गया ये अपना पार्क कर दिया यहाँ पे, ये जो ढाबा है सिमरन ढाबा। हाइड्रा भी अब जाएगा यहाँ से साइड, क्योंकि पेवर भी शिफ्ट करनी है, तो वहाँ पे भी खोल खाल के इसको पेवर शिफ्ट करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो भी काम होगा ग्रेडर का, इसका हाइड्रोलिक का कुछ फेलियर हुआ है,
मैं बताऊंगा कुछ, मेरे को लगता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हुआ है, पम्प वम का कुछ भी नहीं होगा। प्रेशर नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा ये पता चल जाएगा बाद में जब इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।